सर मैं पिछले 50 सालों से ज़्यादा से इलाहाबाद में हूँ। वैसे जो हमारा नेटिव प्लेस है, इलाहाबाद के पास एक शहर है प्रतापगढ़, वहाँ पर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और मैं अपने 7 भाई बहनों में, 4 भाई और 3 बहनों में नंबर 2 पर हूँ। और बचपन का तो बहुत याद होता नहीं, जो आपकी मदर बताती हैं, जो आपके फादर बताते हैं, वही आपको याद है। तो जो एक चीज मुझे मेरे बारे में जो मैं सुनता हूं और जो बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी मदर बताया करती थी कि मैं हमेशा बड़े शांत से रहने वाला बच्चा था। जब तो भी मैं मतलब तो ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चों की तरह, एक कहते हैं ना जो सेल्फ एस्टीम उसी समय से बड़ा हाई था, और उसको एक ठेठ भाषा में बोले तो अपने आप को बहुत समझने वाला मैं बचपन से ही था। फिर कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में, 4th 5th, वो उनमें से कुछ अभी हमारे साथ हैं, वो मुझे बताते हैं कि यू आर ऑलवेज अ लीडर। मतलब छोटी क्लासेस में भी जो सब बच्चे करने वाले होते थे वो मैं डिसाइड करता था, एंड एवरीवन यूज्ड टू फॉलो मी। और तीसरी बात ये है कि जब मैंने पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छा था, मेरे फादर अपने दोस्तों से मुझे मिलवाया करते थे, कभी कभी तो बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता था, वो बुलाते थे और कहते थे ही इज माई सन, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। अच्छा तो उनको तो बड़ा मजा आता था ये बोलने में, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कौन सी बताने वाली चीज है। बट अब जब फादर हुए तो समझ में आता है कि यू फील सो प्राउड ऑफ अचीवमेंट ऑफ योर सन्स, पर उस समय खराब लगता था। बिल्कुल डॉक्टर में कैसे बना, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, ओके लेकिन जब और पढ़ाई करने लगे, जब इंटरमीडिएट जब मैंने पास किया तो बायोलॉजी से ही किया था, लेकिन उस समय जो सीपीएमटी है, सीपीएमटी होता हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें बैठने की मेरी एज नहीं थी, तो मैंने फिर बीएससी ज्वाइन किया। 17 साल उस समय उम्र नहीं हुई थी मेरी, तो बीएससी मैंने ज्वाइन किया। बीएससी जब ज्वाइन किया तो वहाँ बहुत से और डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स मिले, वो सब सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, दे ऑल वॉन्टेड टू बिकम आईएएस। तो मुझे लगा कि यार डॉक्टर से तो अच्छा है कि आईएएस बना जाए। तो जब बीएससी पार्ट वन में मैं था, सीपीएमटी में अपियर होने की एज थी तो अपियर ही नहीं हुआ। अच्छा वो टाइम ऐसा था कि पेरेंट्स बहुत इंटरफेयर नहीं करते थे आपके उसमें, अभी आजकल तो हम लोग सब अपने बच्चों का एक एक चीज जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, बट उस समय दे डिड नॉट बॉदर कि चलो ठीक है अपना कर ही लेगा। तो किसी को पता नहीं चला कि हमने सीपीएमटी नहीं दिया, बट नेक्स्ट ईयर जब पता चला लोगों को तो घर में हमारी मदर ने बहुत गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। फिर बीएससी पार्ट टू में फिर मैंने सीपीएमटी दिया, लेकिन उसको बड़े कैजुअली दिया, अंदर से ये था कि न हो तो अच्छा है, एग्जाम मतलब सिलेक्शन न हो तो अच्छा है। ये अच्छा सब कुछ अजीब सी बातें जो अब याद आती हैं तो बड़ी हंसी आती है अपने ऊपर। लेकिन चूंकि मैंने बीएससी कर रखी थी और बीएससी में भी मेरी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन थी, तो वो सब्जेक्ट्स की जब नॉलेज हो जाती है, फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो डिलिबरेटली आप रॉन्ग आंसर नहीं दे सकते। तो मैंने उस टेस्ट को लिया और मैं सिलेक्ट हुआ और फिर इस तरह से मैं डॉक्टर बना। फिर मुझे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज ही मिला, तो अपने घर में रहकर ही मैंने पढ़ाई करी, वहीं से एमबीबीएस की डिग्री ली, फिर उसी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमएस सर्जरी की डिग्री ली, और फिर उसके बाद यहीं पर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर। और पढ़ाई करने के बाद, मेडिकल करने के बाद आपका कैरियर क्या रहा फिर, बिफोर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले तक? जी सर, मैंने जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सर्जन बना, और मेरा जो इच्छा थी, मैं चाहता था कि मेडिकल कॉलेज में मुझे टीचिंग जॉब मिले, उसके लिए बहुत प्रयास भी किया, लेकिन फिर नहीं मिली। नहीं मिली तो हमने एक यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का मिशन हॉस्पिटल है, उसको ज्वाइन किया, कुछ दिन वहाँ पर काम किया, फिर उसके बाद हमने अपना नर्सिंग होम स्टार्ट किया और 92 ऑनवर्ड्स मैं अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस में ही रहा। तो फिर बिजनेस में कैसे आ गए, एमवे बिजनेस में कैसे आए और क्या हुआ? बिजनेस में सर मेरा आना बिल्कुल कहते ना गॉड्स प्लान था पूरी तरह से, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सुना भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, एमबे के बाद एमबे का नाम भी नहीं सुना था। ऐसे में हमारे क्लास फेलो हैं डॉक्टर एमपी मेथानी, जो हमारे साथ ये इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एमएस सब उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो देहरादून चले गए। तो देहरादून से एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और हम चाहते हैं तुम भी उसको देखो। तो मैंने कहा देखना क्या है, तुम अगर चाहते हो मुझे करना तो मैं बताओ क्या करना है, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कुछ फॉर्म्स वगैरह भेजे और आरपी सर लेकर आए थे,
अच्छा फॉर्म वगैरह। तो अच्छा फिर मैंने कहा करना है ही है, जब व्हेन फ्रेंड इज सेइंग तो नो का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बिना बिल्कुल कुछ जाने समझे मैंने उसको साइन किया। आरपी सर आए थे दूसरे दिन हमारे, जब उनका फोन आया उसके नेक्स्ट डे ही आरपी सर हमारे नर्सिंग होम में आए, और उनको फिर मैंने उस समय पैसे से ज्वाइनिंग होती थी तो वो पैसे मैंने उनको दिए और फिर वो ज्वाइनिंग हो गई। पर मन में मेरे ख्याल ये था कि जो हमारे फ्रेंड हैं इनकी कुछ प्रैक्टिस गड़बड़ होगी, क्योंकि लगता था भाई अगर आप खूब पैसे कमा रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत क्या है। आपने सारी जिंदगी के 22-23 साल लगाए पढ़ाई करने में, एक काबिलियत हासिल करने में, फिर उसी से पैसे कमाने हैं, व्हाई शुड डू समथिंग एल्स। बिल्कुल तो वो ज्वाइनिंग तो मेरी इस तरह से हो गई। अच्छा उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ सर मैं आपको, सुन के अच्छा मजा आएगा सबको। अच्छा जब डॉक्टर मेथानी का जिस दिन फोन आया, उसी दिन हमारे एक दूसरे फ्रेंड इलाहाबाद में रहते हैं उनका फोन आया, अच्छा मैंने एमवे स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ। हाँ अच्छा तो दो दो ऑफर मिले एक साथ मुझे, दो बंदों ने तो इकट्ठे मैंने प्रॉस्पेक्ट कर लिया आपको, दो बंदों ने एक एक साथ। साथ है। एक तो उनका डॉक्टर मेथानी का फोन आया देहरादून से, उसके हाँ बाद तो यहाँ वाले फ्रेंड थे ये हमारे साथ यहाँ पर कॉलेज में पढ़े हुए थे अच्छा इंटरमीडिएट तक। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाई ये लोकल है, अगर करना है तो लोकल वाले के साथ किया जाए, हाँ और जो दूर वाला है बुरा भी मानेगा तो क्या कर लेगा, इतनी दूर से कुछ कहने थोड़े आएगा। तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें ही ज्वाइन करेंगे। फिर अच्छा दूसरे दिन आरपी सर आ गए, फिर वो न जाने कैसे उन्होंने क्या बात की, कुछ तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने कहा कि नहीं यार अभी नहीं को करते थे। वो कमाल हो गया, ये तो तो डॉक्टर रात का किया वादा, सवेरे हमने उसको खारिज कर दिया सुबह। नहीं वो फिर तो मैंने कंपेंसेट किया सर, अच्छा मैंने पहली दो ज्वाइनिंग उनके नीचे करे, ओहो अपने नीचे नहीं करे। तो दो बिजनेस चलाए आपने कट्टे एक हमारे फ्रेंड थे एडवोकेट और उनके बेटे, दोनों की ज्वाइनिंग हमने उनके नीचे पहले करे। हमने कहा पहले तुम्हारे कर दें, वो जो वादा खिलाफी है वो कंपेंसेट हो जाए, उसके बाद अपना देखेंगे। ये भी स्टोरी बहुत यूनिक है। तो आपने एमवे बिजनेस, आपको दो बंदों ने प्रॉस्पेक्ट किया, दोनों को प्रॉमिस हो गया और दोनों को काम चलाया, दोनों का चलाया, खुद आरपी सिंह के साथ ज्वाइन कर लिया और उधर दो ज्वाइनिंग कराई अपनी, पहले उधर कराई ज्वाइनिंग इधर बाद अच्छा में। जो दूसरे वाले फ्रेंड थे सर, वो बाद में पता चला कि आलोक जी ने उनको ज्वाइन कराया था, आलोक अच्छा बाजा जी ने, जो हमारे डायमंड है अपलाइन, हाँ उन्होंने उनको ज्वाइन कराया था किसी को, और उसके नीचे वो थे ज्वाइन, अच्छा तो तो वो भी इसी टीम में थे मतलब एक इसी तरह। टीम में थे। तो मुझे इसी टीम में आना था, आपकी टीम में मुझे आना था, ये अच्छा लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा चलो ज्वाइनिंग तो आपकी एक तरह से ऑब्लिगेशन में ही हुई, एक तरह से आपने सोचा चलो दोस्त कह रहे तो ज्वाइन कर लेते, लेकिन फिर किस मोमेंट पे जाके आप कमिटेड हो गए और वो कैसे, वो घड़ी मतलब कैसे कहाँ से चेंज आई है? सर जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस तो बहुत बिजी था मैं, जिसको कहते हैं ना ऑफुली बिजी, वो हालत थी। और इट वाज वेरी फ्रीक्वेंट कि रात में नींद ब्रेक होना, मतलब 1-1.5 बजे 2 बजे रात जगाया जाना, आप खाना खा रहे हो तो खाना छोड़ के जाना, क्योंकि ऊपर मेरा घर था नीचे नर्सिंग होम था। अच्छा कभी अक्सर ऐसा होता था कि आप यू कुड नॉट फिनिश योर मील और आपको जाना पड़ता था बीच। और जैसे आप एस क्वाड्रेंट का सब लोग जानते हैं, स्क्वाड्रेंट का जो चैलेंज होता है, आप इसलिए सोच करते हो उसको कि भाई मुझे बॉस नहीं पसंद है या मैं अपना काम करूं, लेकिन होता क्या है, यू एंड अप बिकमिंग एन एम्प्लॉय ऑफ योर प्रोफेशन। तो आप वहां पर एम्प्लॉयर भी हो और एम्प्लॉय भी हो, और दोनों के हेडेक्स आपके पास हम्म, है। तो नर्सिंग होम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के ढेर सारे डिपार्टमेंट से जो डील करना है, फिर पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी करना है, उनका पोस्ट ऑपरेटिव, तो कुल मिला के उस समय मेरी हालत एकदम खस्ता थी। और मैं सोचता था कि ये मैंने क्या कर लिया, नर्सिंग होम खोलना तो बिल्कुल ही एक गलत एक डिसीजन हो गया। और हर समय मैं सोचा करता था कि लाइफ कैसे सुधरेगी। सुधरने का मतलब है व्हेन विल आई हैव टाइम एनफ टू डू थिंग्स व्हाट एवर आई वांटेड। पर फिर बाद में जब सोते थे रात में तो ये लगता था भाई अब डेस्टिनी यही है, कुछ हो नहीं सकता, छोड़ तो सकते नहीं, छोड़ेंगे तो फैमिली को कैसे काम चलेगा। तो मैं सोचता रहता था कि कुछ ऐसा हो, इनफैक्ट मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं था कि आई वांटेड समथिंग कि मुझे टाइम मिले, बट ये प्रॉब्लम बड़ी थी और रात में सोते समय अक्सर ख्याल आता। तो अल्टीमेटली अंदर से एक जवाब आती थी कि तुम्हारी यही डेस्टिनी है और एक दिन ऐसे ही करते करते तुम दुनिया से चले जाओ, अच्छा मरीज देखते देखते या सर्जरी करते करते यू विल गो। तो जैसे होता है ना, यू एंड अप एक्सेप्टिंग थिंग्स जो लाइफ में है, तो वैसे ही चल रहा था उससे।
तो जब ये इनका ऑफर आया तो मैंने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बिजनेस को शुरू किया कि भाई आई हैव टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच और उनको एक दूसरा काम करना पड़ा, मुझे मदद करनी चाहिए। बट वो वहां से देहरादून से उस समय प्रोडक्ट्स भी भेजते थे, जो उस समय कैसेट्स हुआ करते थे वो भेजते थे, किताबें भेजते थे, और बार बार कहते थे कि नलिन तुम इसमें जो बुक्स हैं उनको पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो आई कुड नेवर क्या कहते हैं उसको, आई कुड नेवर गेट दिस आइडिया कि भाई बिजनेस का बुक से क्या मतलब, ये कंप्रेहेंड नहीं कर पा रहा था मैं। बट फिर एक दिन वो जो रिच डैड पुअर डैड टाइटल वाली बुक मिली, उसको मैंने पढ़ा। फिर सब लोगों ने उस हमारी स्टोरी में कई बार वो सुन रखा है कि जब मैंने उसमें पढ़ा कि बी क्वाड्रेंट की लाइफ ऐसी है कि आपको पैसों की भी कमी नहीं है और ढेर सारा टाइम भी आपके पास है, तो जब ये आइडिया मेरे दिमाग में स्ट्रक किया तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उस दिन से मतलब एक आइडिया हुआ कि लेट मी वर्क ऑन इट, पर उसके बाद भी ये नहीं हुआ कि मैंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। फिर उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आलोक जी आए यहाँ इलाहाबाद में, फिर उन्होंने कुछ सेमिनार में भेजना शुरू किया। तो एक सेमिनार में हम गए, वहां पर एक लीडर बोल रहे थे, वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ स्टाइल कि मैं जब जो चाहता हूँ करता हूँ, मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं, मेरे पास समय की भी कमी नहीं। तो दैट डे मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सीट पड़ा कि ये मुझे भी करना चाहिए एंड आई शुड ऑल्सो हैव अ लाइफ जहां पर ना टाइम की कमी हो ना पैसों की कमी हो। वेरी नाइस। तो दो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा उन्होंने आपको चेंज किया, एक तो रिच डैड पुअर डैड किताब और दूसरा था वो सेमिनार जिसमें आप गए, तो जहाँ पे की बात हो रही थी कि पैसा भी होगा और टाइम भी होगा, और आपको बिल्कुल टाइम की दिक्कत नज़र आ ही रही थी, तो आपने सोचा भाई ये कुछ कह रहे हैं तो इसको कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपने स्टार्ट कर लिया चलो, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें हर आदमी को अपनी स्ट्रगल से तो गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से तो ये होता भी नहीं है। आप सोचो एकदम हो जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आप जब इसको बिल्ड करने का आपने डिसीजन ले लिया, तो आपके लिए कुछ चीज़ों ने बहुत अच्छा काम किया होगा और कुछ आपने स्ट्रगल फेस की होंगी, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी, और या कोई आपको याद हो, कोई एक पर्टिकुलर भी ऐसा हो गया, कोई स्टोरी याद हो कि जिसमें थोड़ा लगा हो कि आपको थोड़ा मुश्किल हुई हो, और फिर कौन सी चीज़ों ने आपको हेल्प की फाइनली इसको बिल्ड करने। स्टोरीज तो इसमें बहुत सारी हैं हाँ सर। मुझे याद है कि जब ये हो गया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई, तो डॉक्टर मैथानी एक दिन आए इलाहाबाद और उन्होंने कहा इसमें इस बिजनेस के आइडिया को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जो सबसे पहली लिस्ट होती है अपने फ्रेंड्स की लिस्ट होती है, जो हमारे साथ यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, 20-22 लोग थे इलाहाबाद में, उन सबको हमने बुला लिया शाम को कि भाई डॉक्टर मैथानी आए हुए हैं, लेट अस डू अ गेट टुगेदर। तो गेट टुगेदर का मतलब यही होता है कि भाई थोड़ी देर बैठेंगे, सब गपशप करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और फिर निकल देंगे। तो सब आके इकट्ठे हुए, जिसको जिसको बुलाया था सब आ गए। फिर उसके बाद जब आए सब, तो जहाँ बैठे थे वहां पर एक व्हाइट बोर्ड रखा था, तो उसको देख के कुछ लोगों को लगा कि ये पता नहीं क्या है, बात है क्या होने वाला है, तो फिर भी सब बैठे रहे। बट वेन जब डॉक्टर मैथानी उठ के खड़े हुए, उन्होंने बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया, तो मुझे तो एमवे का नाम नहीं पता था, मुझे एमवे बिजनेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनमें से कुछ लोग को पता था। दे नहीं, तो उस समय एक्टिविटी शुरू हो गई थी, तो उनमें से एक ने कहा कि अरे तुमने हम लोग को इसलिए बुलाया एमवे के लिए, और वो एक दोस्त था हमारा उठ के खड़ा हो गया, उसके साथ 10-15 लोग और खड़े हो गए उठ के, एंड दे स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द रूम। तो मैं उठ के खड़ा हुआ कि भाई इनको रोके, सब गुस्सा होके जा रहे हैं। तो डॉक्टर मैथानी ने इशारा किया कि नहीं, तुम बैठे रहो। और मैं ऐसे उनकी बात सब बात नहीं मानता हूँ, मेरे दोस्त हैं साथ पढ़े हुए, ऐसा नहीं कि उनकी हर बात माननी है, बट दैट डे न जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा बैठे रहो, तो मैं फिर बैठा रहा, मैंने कहा जाते जाने। इसीलिए जो आप कहते हैं ना गॉड्स प्लान, तो गॉड्स प्लान हर समय काम कर रहा होता है। और आई वॉज जस्ट आई केप्ट ऑन सिटिंग, वो नाराज होके चले गए। तीन लोग बैठे थे, तीन दोस्त बैठे थे, जब वो प्लान खत्म हुआ तो तीनों ने ये कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो करना चाहिए। अच्छा और उन तीनों ने ज्वाइन किया फिर, कमाल हो गई। तो ऐसे तो शुरुआत हुई। फिर उस समय फिर आलोक जी आ गए इलाहाबाद में, फिर उनके साथ तो हम लोग खूब दौड़ भाग करने लगे, लोगों को मिलवाने लगे, और हम तो चुपचाप बैठ जाते थे, आलोक जी प्लान दिखाते थे, फिर उनकी ज्वाइनिंग कराते थे। और उनका उस समय का, ये बात बता रहा हूँ मैं सर 2001 की, उस समय का प्लान इतना जबरदस्त होता था कि वो अगर 10 लोग को प्लान दिखाते थे तो उसमें 8 ज्वाइन कर पक्का वाह कर। कमाल हो गया। हम लोगों ने इतनी सारी ज्वाइनिंग कराई उनके साथ मिलके,
मुझे याद है 45 फ्रंट लाइन खोल दिया हम लोगों ने सर, अच्छा और हमारे साथ का या एक दो साल सीनियर या एक दो साल जूनियर कोई डॉक्टर इलाहाबाद में नहीं था जिसको हमने ज्वाइन नहीं कराया। वाह ये बात और है कि उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, सब बात, लेकिन वो जो एक इनिशियल थ्रस्ट होता है वो मिला। एक बार बंदे को लगता है मेरा तो चल पड़ा काम बढ़िया से। तो आलोक जी क्या इलाहाबाद में आके रहने लगे थे? आके रहने लगे थे सर, अच्छा वहां उस समय पे। गोल्ड गोल्ड प्रोड्यूसर थे, अच्छा और हम लोग को हमारे उस समय स्पॉन्सर लेट डॉक्टर मालगुड़ी थे, उन्होंने बताया कि आलोक जी जा रहे हैं, आप लोग उनसे जाके मिलो एंड ही विल बी हेल्पिंग यू। तो फिर उसके बाद पहली मुलाकात हुई, उस समय होटल में रुके थे, उसके बाद फिर उन्होंने घर एक ले लिया, वहां रहने लगे। फिर तो हम लोग उनके पास जाके बैठते थे, खूब मस्ती करते थे सुबह, सब तीन चार लोग, हम लोग, हम नरेंद्र वाजपेयी जी और एक वाई के गुप्ता जी लखनऊ वाले, ये तीन लोग, और एक और इनके पार्टनर थे इनके, नरेंद्र वाजपेयी जी के। तो हम लोग जाके बैठ जाते थे सुबह सुबह, चाय वाय पीते थे। अब भावना मैम को पता नहीं उस समय अच्छा लगता था, गुस्सा आता था, डोंट नो, लेकिन अब हम सोचते हैं तो हमको लगता है अगर हमारे यहाँ कोई आके इस तरह सोच में बैठ जाए और केवल गप लड़ाए तो कैसा लगेगा। लेकिन अच्छा आलोक जी हम लोग को बर्दाश्त करते थे और खूब काम करते थे, और बड़ी तेजी से उन्होंने हमारी टीमें बनाई हम लोग की। तो आलोक और भावना दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे आके रहने लगे हाँ और जी, वहां रहते थे और आप उनके वहां पे जाके ज्यादातर काम करते थे। और आपने बताया कि बहुत सारे प्लान आपके आलोक नहीं दिखाए हैं, लेकिन आपने कब प्लान दिखाना शुरू किया? कितनी देर तक आपने नहीं दिखाया? क्या सीन बना? आप कैसे दिखाने लगे प्लान? इसी में बीच बीच में मैं भी दिखाता था सर। पहला प्लान मुझे याद है, पहला प्लान एक वाजपेयी जी जो है, नरेंद्र वाजपेयी जी, वो हमको लेकर गए। उस समय हम लोग के पास ये बोर्ड वगैरह नहीं था, व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं था, तो हम क्या करते थे, कैलेंडर का जो पलट देते थे, कैलेंडर अच्छा बहुत जो होता है उसको पलट के जो व्हाइट वाला था उसके ऊपर प्लान दिखाते थे। सही है। तो वो एक जगह ले गए थे, वहां हमने प्लान दिखाया। उस समय हम लोग बड़े लंबे लंबे प्लान दिखाते थे, एक एक घंटा तो कम से कम बात करते थे। तो वो मुझे याद है, दैट वॉज माई फर्स्ट प्लान। फिर दूसरा हमारे फ्रंट लाइन है ऋत्विक सोलंकी, वो मुझे ले गए एक डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा अंकल वो डॉक्टर हैं तो इसलिए आप वहां चलिए। तो वहां तो हम जब गए तो हमने उनसे, वो डॉक्टर साहब से थोड़ी बात बात की, जानते थे हम लोग एक दूसरे को, हमसे जूनियर थे। फिर उसके बाद हमने ऋत्विक को कहा कि तुम प्लान दिखाओ, तो वहां पहुंच के फिर ऋत्विक ने हमको प्लान दिखाया। बाद में फिर हमने उसको भी किया। तो बीच बीच में हम लोग भी प्लान दिखाया करते थे, लेकिन आलोक जी को खूब हम लोग, एक तो उनके साथ रहने में मजा आता था बहुत, और एक उनकी खास बात यह थी कि हम लोग जहां भी जाते थे वहां कुछ ना कुछ चाय वाय सब ऑफर होता। हम लोग खूब खाते पीते थे लेकिन आलोक जी कुछ नहीं खाते। अच्छा वो क्यों? अब उनका ऐसा था कि वो नहीं लेते थे, अच्छा तो ये हम लोग को बाद में पता चला कि ये जो खाना पीना है इसको अवॉइड भी किया जा सकता अच्छा बहुत जबरदस्त। आपने काफी क्लोजली काम किया है, आपने और आलोक जी ने है। मिलके जी सर, काफी जबरदस्त काम किया है। हमारी टीम तो इनिशियली है, वो उन्हीं के सब बनाई हुई है। तो इस तरह कब तक चला जब तक आप दोनों मिलके दिखाते थे? कब आप टोटली इंडिपेंडेंट कब हुए? जी सर, अच्छा इसमें एक थोड़ी सी और बात बता दें सर, नहीं तो स्टोरी कम। आपने कहा ना चैलेंजेस क्या है, तो हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस तो पता लगने चाहिए क्या क्या है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर आते हैं। चैलेंज में एक क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमने घर में नहीं बताया, किसी को नहीं अच्छा बताया, वाइफ को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, ठीक और ये प्लान व्लान होना शुरू हो गया। है। तो हमारी वाइफ को अक्सर पता चलता था कि डॉक्टर साहब अभी थे, मरीज देख रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, फिर कहीं चले गए। अच्छा तो वो सोचने लगी ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो फिर बहुत दिनों के बाद हमने उनको बताया कि देखो हमने एक बिजनेस शुरू किया, उसके बारे में लोगों को बताने जाते हैं उसको, और उसको कहते हैं प्लान दिखाने जाते हैं। अच्छा तो वो फिर उन्होंने बड़ा फेरोशियसली उसका उन्होंने विरोध किया, कि शुरू में तो लगा कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, धीरे धीरे छूट जाएगा, पर जैसे जैसे उन्होंने देखा कमिटमेंट बढ़ता जा रहा है, लोग आते चले जा रहे हैं, ये लोगों से मिलने, नर्सिंग होम में बिजी है, उसके बाद उसके अंदर बिजी है, तो उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर बहुत एकदम एक्सट्रीम तक बढ़ा। और अल्टीमेटली एक दिन हमको ये मिला कि देखो इस बिजनेस में या तो मैं रहूंगी या एमवे रहेगा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या एमवे रहेगा। अच्छा एक ही रहेगा बंदा। वहां भी वो उस समय वो मोमेंट मुझे याद है, उस समय मुझे गुस्सा उस कुछ नहीं आया, पता नहीं क्या बात थी। मैंने अच्छा कहा तुम अभी गुस्सा हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एमवे भी रहेगा और तुम भी रहोगे, तुम देख लेना। अच्छा और एक दिन हम लोग होम मीटिंग कर रहे थे सर, ये स्टोरी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ
हम लोग एक होम मीटिंग कर रहे थे, 15-20 लोग थे, वो मैंने रखी थी कि मैं ही प्लान दिखाऊंगा, लेकिन वो रात भर मैंने सर्जरी की थी अच्छा सुबह, मतलब रात भर सोया नहीं था, सुबह के फिर पेशेंट देख के दोपहर में आफ्टरनून में सर्जरी, आफ्टरनून में मीटिंग रखी गई थी। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वाजपेयी जी हमारे पार्टनर हैं वो, हमने उनसे कहा कि देखो अब हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे, आई एम एग्जॉस्टेड, आप दिखाओ। उन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया, हमारे घर में ऊपर ड्राइंग रूम के अलावा एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर ये मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग चल रही थी, प्लान चल रहा था, तब तक वाइफ हमारी घुसी वहां कमरे में, अच्छा और उन्होंने नरेंद्र जी की तरफ देखा, वाजपेयी जी की तरफ, और बोली कि ये क्या हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे। जब थोड़े गुस्से में देखा उन्होंने, तो वाजपेयी जी बेचारे, उनकी तो हालत खराब हो गई, वो अपना हाथ जैसा हाथ में मार कर लिए, जहां खड़े के खड़े रह गए। फिर हमने उनको थोड़ा, वाइफ को पैसिफाई करने की कोशिश की, तब तक जो लोग आए हुए थे प्रॉस्पेक्ट्स, उनमें से कई लोग निकल के चले गए कि डॉक्टर साहब के घर तो ये पंगा हो गया, प्लान व्लान छोड़ा, अपना अपने घर चलो, पता नहीं क्या यहाँ होने वाला। अच्छा फिर वो 3-4 लोग बचे थे, 5 लोग, वो नीचे आके हमारे नर्सिंग होम के गेट पर खड़े हो गए, और उन लोग के साथ बड़े उसमें अपोलोजाइज करने के लिए, भाई देखो सब गड़बड़ हो गया। तो उनमें एक थे हमारे पड़ोसी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप ठीक समझे तो बाकी जो बच गया है प्लान वो हमारे घर में किया जाए। अच्छा तो हमने अपने स्टाफ को भेजकर व्हाइट बोर्ड मंगाया, मार्कर मंगवाया, फिर उनके घर में प्लान लगा, बोर्ड बाकी का प्लान लगा, बाकी का प्लान वहां हुआ, और वहां से भी 2-3 ज्वाइनिंग हो गई। वो कमाल हो गया। उस टाइम ऐसा फेज था कि जिसको भी बताओ कहना हाँ ये तो बढ़िया है, मैं करूंगा मैं करूंगा। अच्छा कमाल हो गया और इसी में एक चीज और बतानी है सर, जिसमें आपका रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है, चलिए इसको बाद में बताते हैं। पहले आपने पूछा था कि ये आलोक जी का कब तक चला, कब मैंने इंडिपेंडेंट ली है, तो इंडिपेंडेंट मैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो मैं 15% पे था उस समय सर, आलोक अच्छा जी जब थे वहां पर, और ठीक हम लोग रोज की तरह सवेरे उनके घर ऐसे पहुंचे। तो है। जब हम लोग घर पहुंचे तो आप तो आलोक जी को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो हम लोगों ने देखा कि उनका सामान एक ट्रक में लद रहा है, एंड वी हैड नो इन्फॉर्मेशन, कोई कोई क्लू नहीं था कि ये होने वाला है, आपको नहीं बताया बिल्कुल। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा और सामान लादा जा रहा है, और हमने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, हमने हाँ सोचा घर चेंज कर रहे होंगे, उनका हाँ नहीं अब हम जा रहे हैं वापस देहरादून। तो अच्छा बड़ा हम लोग को शौक लगा कि अब ये चले जाएंगे तो बिजनेस कैसे होगा, हाँ लेकिन वो चले गए फाइनली। फिर उसके बाद जो ये टीम बच गई, फिर मैंने कहा भाई इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, आलोक जी तो चले गए, अब क्या करें। तो मुझे फिर उस दिन वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि आई हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग देम इन माई टीम, सो नाउ आई शुड टेक ओवर। तो फिर मैंने वहां से टेक ओवर किया। फिर कुछ दिनों के बाद आरपी सर आ गए इलाहाबाद रहने, उन्होंने बड़ी हेल्प की, लेकिन उस दिन से मैंने ओनरशिप ली, और जैसे एक लीडर की तरह लोगों को देखना शुरू किया और ये सब। लेकिन उसके बावजूद 2 साल तक मैं 15% पर रहा था, वो फ्रॉम 2001 to 2003। अच्छा 2003 में सिल्वर हुआ मैं जून में, और उस बीच आप एक बार इलाहाबाद आए, मुझे याद नहीं शायद आरपी सर का सफायर रिकग्निशन था या कुछ था जो भी था, यू हैड कम टू इलाहाबाद। तो आपने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप सिल्वर क्यों नहीं जाते, जैसे आप अभी पूछते हैं ना कि आप डायमंड क्यों नहीं जाते, उस समय आपने पूछा कि मैं डॉक्टर साहब आप सिल्वर क्यों नहीं जाते। तो 15% पे क्यों अटके हो। मैंने आपसे कहा कि सर देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लान नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है उसको जैसे मैं घर से निकलता हूँ शी गेट्स एंग्री, और बड़ी मुश्किल होती है। तो आपने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और जो मेरे दिमाग में नहीं आया, जबकि इतना इजी सॉल्यूशन। आपने कहा कि भाई आप उनको बताते क्यों हो कि आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप बताओ कि मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताना शुरू किया कि मैं फला नर्सिंग होम में सर्जरी करने जा रहा हूँ, मैं फला नर्सिंग होम में सर्जरी करने जा रहा हूँ, ये बताना शुरू किया। तो कुछ दिन तो काम बढ़िया चला, लेकिन उनको लगा कि अचानक इनके जो बाहर सर्जरी की संख्या बहुत बढ़ गई है। अच्छा तो एक दिन उन्होंने कॉल किया, जिस नर्सिंग होम में बता के गए थे वहां कॉल किया कि देखो डॉक्टर साहब होंगे, मेरी बात कराओ ओटी में। उसने कहा यहाँ तो ओटी में कोई है ही नहीं, कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, और फिर जब घर आए होंगे तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। तो उसके बाद मैंने उनको रिमोट एरियाज के नर्सिंग होम्स के बारे में बताना शुरू किया, जिसको पता ही नहीं था। बट एनी हाउ बाद में जब हम लोग प्लेटिनम फोरम में गए, तो उन्होंने पहली बार, उनको प्लेटिनम फोरम में जाने के बाद पहली बार उन्होंने कहा कि कंपनी तो अच्छी लगती है। हमारे अप्लायंस आलोक जी आरपी सर से वो मिल चुकी थी, और हमेशा ये कहती थी कि ये दोनों लोग तो बहुत अच्छे लोग, ये ऑलवेज सेड, क्योंकि ये लोग
वो बहुत गुस्सा भी होती थी, लोग से बड़े अजीब ढंग से भी बात करती थी, बट बोथ ऑफ देम ऑलवेज रेस्पेक्टेड हर, और एक एल्डर की तरह उनको रेस्पेक्ट देते थे, कभी रिएक्ट नहीं करते थे। तो ये उनको बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो प्लेटिनम फोरम में गई, फिर तो जब फॉरेन ट्रिप्स में जाने लगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं, उसको खूब एंजॉय करती थी। उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो आपकी स्टोरी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है डॉक्टर साहब। सबसे पहली तो सीख ये मिल रही है कि अपलिंग के साथ आपने क्लोजली काम करके 15% तक गए, जबकि आप कुछ कुछ प्लान बीच में दिखाते थे, लेकिन 15% के बाद जैसे आलोक चले गए तो आपने पूरी कमान संभाल ली। दूसरा, आपके वाइफ नेगेटिव थे, लेकिन अगर जब आपने सक्सेस ले ली और फिर वो पॉजिटिव हो गए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आप कुछ करो, करके दिखाओ, करके दिखाना होगा, तभी लोग फिर सारे साथ आते हैं और घर वाले भी सारे साथ में आ जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्टोरी है।